कर चुका है। गिरिराज सिंह ने इंडिया लाइंस को संतरे की तरह बताया जिसके भीतर फांक ही फांक है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कोई भी यात्रा कर लें, इंडिया लाइंस कांग्रेस का सत्यानाश कर देगा। देखिए, इंडी गठबंधन गठबंधन ही नहीं है, ऊपर से संतरा है और नीचे से फांके फांक है, अंदर में संतरे की तरह ऊपर से छिलका सुंदर लगता है और नीचे फांक है। तो ये फांक अब बिखर गया है, छिलका उखड़ गया है। अब वो कोई भी यात्रा कर ले, कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। इंडी गठबंधन पर गिरिराज सिंह के हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडी गठबंधन कांग्रेस का सत्यानाश कर देगा। गिरिराज सिंह के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है, तो महागठबंधन के नेता निशाना साध रहे हैं। लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है, गिरिराज सिंह जी का बयान भी इसी का प्रकटीकरण है। जितना ध्यान इंडिया अलायंस पर देते हैं, उतना ध्यान यदि देश की जनता पर दिया रहता तो आज आप लोगों की स्थिति ऐसी नहीं। इंडिया गठबंधन की मजबूती से एंडा गठबंधन के नेता गिरिराज जी को काफी बेचैनी हो गई है। बेगूसराय सीट तो इस बार उनके हाथ से साफ निकल जाएगा, कुछ किया ही नहीं है। सविनय पंछी की तरह कभी इस डाल पर बैठते हैं, भावना भड़का करके चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। इंडी गठबंधन आपसी गठबंधन नहीं बल्कि ठगों का गठबंधन है। इसमें शामिल सभी घटक एक दूसरे को ठगने में लगे हैं, जिसकी परिणति सिर्फ टोगल में होनी तय है और हो रही है। जहां कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को निपटाने में लगी है, वहीं क्षेत्रीय दल कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में लगी है। मुझे उम्मीद थी कि आदरणीय गिरिराज सिंह जी ट्वीट के जरिए ये बताएंगे कि वो जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग ने बिहार के लोगों के लिए कुछ काम किया है, छोड़िए विभाग के लोगों के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए ही दो चार पांच काम बता देते। लंबे अरसे से मंत्री हैं, आखिर मंत्रालय ने कुछ तो किया होगा ना। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पटना के गुरु रहमान को भी आमंत्रण मिला है। आमंत्रण मिलने के बाद गुरु रहमान की पाठशाला भी राममय हो चुकी है। युवा पीढ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आमंत्रण मिलने के बाद गुरु रहमान 22 जनवरी को अयोध्या जाने की तैयारी में जुटे हैं, तो छात्र छात्रा भी 22 जनवरी को दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ तैयारियां चल रही है और जश्न का माहौल है। ऐसे में आमंत्रण मिलने का सिलसिला भी जारी है। पटना के गुरु रहमान को भी अयोध्या से आमंत्रण मिला है, तो इस वक्त हम गुरु रहमान के कोचिंग में हैं, जहां पर भक्ति की भी पाठशाला लगती है और देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारे से जो पूरा माहौल है वो गुरु रहमान ने गुंजायमान कर रखा।